हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बांगरवाड से चौधरी जुबैर अहमद निगम पार्षद ने आज सदन में मामला उठाते हुए इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी कीमत पर शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। जब इलाके के लोग यह बात नहीं चाहते हैं, इलाके के लोग नहीं चाहते कि वहाँ शराब का ठेका खुले, तो फिर शराब का ठेका क्यों खोला जा रहा है? और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर शराब का ठेका किस लिए खोला जा रहा है? उन्होंने सवाल किया सदन में चेयरमैन से कि जब इलाके में परचून की दुकान भी बिना लाइसेंस के नहीं खुलती है, तो शराब के ठेके को एमसीडी लाइसेंस क्यों दे रही है? इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। आइए दिखाते हैं आपको सदन में चौधरी जुबैर अहमद निगम पार्षद ने क्या कहा, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। उसमें तीन ठेके खुलने हैं, वो सड़क, वो जो रोड है, जो एरिया है, वो एमसीडी का है। क्या ठेके खोलने के लिए एमसीडी की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है क्या? एक तो उसका मुझे जवाब दे दिया जाए। और क्या इलाके की अगर जनता नहीं चाहती कि ठेका नहीं खुले, उसके बावजूद भी क्या ठेके खुल सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन या कोई तरीका हो उसका बताया जाए। और चेयरमैन साहब, मैं अपने वार्ड में मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, ठेका खुलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे आग लगानी पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, इसके लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। उसके लिए पूरी तरह छूट नौकरी करिए। एक विषय तो ये बता दूं आपको, जो ठेकों का विषय है वो विषय निगम का नहीं है। एक बात आप चेयरमैन साहब, एक सेकंड चेयरमैन साहब, अगर आपको एनओसी दे रहे हैं क्या? हमारी कोई एनओसी नहीं है, बिना एनओसी के ठेका खुलेगा नहीं। परचून की दुकान का भी लाइसेंस चाहिए एमसीडी से, ठेका खोलने का बिना उसके निगम की कोई निगम एनओसी है कोई? मेरे वार्ड में हमारी कोई एनओसी नहीं है। मेरे वार्ड में आप एनओसी देंगे नहीं साहब, बड़ा मेहरबानी, और एनओसी दी तो इसका झगड़ा होगा आपसे। मैं अपने वार्ड में ठेका खुलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।